बीस पच्चीस तीस पैंतीस बस इतनी सेविंग्स। दोस्तों अगर आप भी एक नए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो एक नई फॉरेन कंट्री में आए हैं, या फिर ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं, या फिर एक ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और आपको चाहिए काफी सारे वेज पैसे सेव करने के, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कई सारे वेज जिससे आप स्टूडेंट लाइफ के दौरान, स्टूडेंट लाइफ शुरू होने पर या फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद कई सारे पैसे बचा सकते हैं। छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जिंदगी में बहुत हेल्प करेंगी एक फॉरेन कंट्री में। तो पहली ट्रिक मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो कनाडा में अभी अभी आए हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सभी को GIC के $2,000 आपके बैंक में जमा हो गए होंगे। तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, कोशिश कीजिए कि वो $2,000 बहुत ही रैशनली स्पेंड कीजिए, ऐरी गैरी चीज़ों पर उन्हें बिल्कुल मत स्पेंड कीजिए। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने आते ही $2,000 में से $1,900 का एक नया लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन HP का लैपटॉप ले लिया था। इमेजिन ₹1,00,000, मुझे आज भी हंसी आती है। हफ्ते के बाद एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, तो मुझे उस $2,000 की कीमत तब पता चली जब एक घंटे के मुझे $11 मिलते थे। तो मैं अगले ही दिन उस लैपटॉप को वापस कराया था और मैंने फिर $600 का लैपटॉप लिया। सो मेरी एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, जो भी यहाँ आता है, $2,000 को बहुत रैशनली स्पेंड कीजिए, सिर्फ जरूरत की चीजों पे स्पेंड कीजिए, ना कि अपनी डिजायर्स या वॉन्ट्स पे। सो दूसरी मेरी टिप या रेकमेंडेशन आप सभी को यही है, आपको GIC का जितना भी इंस्टॉलमेंट मिलता है $660-670, ट्राई कीजिए उस पूरी GIC को बचाने का। वो कैसे कर सकते हैं, आते ही लग जाइए काम ढूंढने में, एक अच्छा रेज्यूमे बना के या अच्छी नेटवर्किंग करके। जितनी जल्दी आप काम ढूंढेंगे उतनी जल्दी आप ये $670 महीने के बचा सकेंगे जो आपको GIC से मिल रहे थे। अगर आप इस $670 को ओवर द ईयर पूरा जमा करें तो ये करीब करीब $7,000 से ऊपर की अमाउंट बन सकती है। सो कोशिश कीजिए ये $670 बचाने की। तीसरी ट्रिक ये है कि जब आप यहाँ आ जाएं, तो मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बोला था, जिसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आने से पहले ही लाइसेंसेस की तैयारी पहले से ही कर लें। सिक्योरिटी लाइसेंस, फोकलिफ्ट लाइसेंस, स्मार्ट सर्व लाइसेंस, जिनमें से सिक्योरिटी और स्मार्ट सर्व का रिटन टेस्ट होता है, अगर आप इसकी तैयारी आते ही कर लें या आने से पहले ही कर लें और यहाँ आकर अपने पैसे GIC में से या पहले $2,000 में से आप इन सिक्योरिटी या स्मार्ट सर्व लाइसेंस को लगाने में लगा दें, तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के जो चांस है काफी अच्छे हो जाएंगे। चांस अच्छे होने के बाद आपको पैसे की इनकम का फ्लो बन जाएगा, जिससे आप वो GIC के अमाउंट है उसे बचा सकते हैं और अपना सारा महीने का खर्चा आप अपनी इंप्लॉयमेंट इनकम से निकाल सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि आते ही अच्छी सी जॉब ढूंढ लें। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अच्छी जॉब ढूंढने के लिए आपको अच्छा रेज्यूमे चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए। सो इन चीजों पर काम करना मत भूलिएगा, तभी आपको जल्दी और अच्छी जॉब मिल सकती है। सो चौथी टिप मेरी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपने सुना होगा चैरिटी बिगिंस एट होम। ये टिप इतनी सिंपल है कि ये आपको काफी पैसे बचा सकती है, फिर भी कई बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं करते या नहीं कर पाते कई कारणों के कारण। आप अगर घर पर कुकिंग करना शुरू कर दें, ये आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। मान लीजिए एक स्टूडेंट जो घर पे ग्रोसरी लाता है, उसका अपवर्ड खर्चा भी ऑलमोस्ट $200-$300 होता है, लेकिन अगर आप एक मील, दिन की एक मील भी बाहर से खाएं, तो एक मील का खर्चा करीबन $10-$12 हो सकता है, जो कि उसका पूरा सम मंथली ही $200-$250 बन जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रोसरी बाहर से करें, घर पे खाना बनाएं, तो आपको काफी सेविंग्स होगी। सो सभी स्टूडेंट्स जो घर पर खाना नहीं बनाते हैं या उनके पास उतने कुकिंग स्किल्स नहीं है, आप कोशिश कीजिए टिफिन सर्विस लगवाने की, वो भी आपको कंपैरेटिवली बाहर से खाने में काफी चीप पड़ेगी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टिप, ट्राई कुकिंग एट होम, डू ग्रोसरी एंड सेव अ लॉट ऑफ डॉलर्स। सो अब तक जो मैंने आपको टिप्स दी वो तो बहुत सिंपल, लेकिन आगे जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ वो एक एक्सपर्ट सेवर को ही पता होती है। ये टिप है पांचवी नंबर टिप। मैं भी आप लोगों की ही तरह लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स से काफी ग्रोसरी शॉपिंग किया करता था, लेकिन जब मैंने ये बड़े स्टोर्स में जाना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि मैं यहाँ कितने सारे डॉलर्स बचा सकता हूँ। इसका तरकीब ये है कि अगर आप इन बड़े स्टोर्स, सुपर स्टोर, वॉलमार्ट, नोफिल्स में जाएंगे, तो आपको एक डिस्काउंट पॉइंट कार्ड मिलता है, जिन पॉइंट्स को आप जितनी ग्रोसरीज ज्यादा करेंगे, जितने डॉलर्स
खर्चेंगे उतने आपको पॉइंट्स बनते जाएंगे, और जितने पॉइंट्स बनेंगे आप उतने ही पॉइंट्स आप अपनी अगली ग्रोसरी में से उसका कैश वैल्यू का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे अपनी ग्रोसरी में, जबकि आप अपने अगर लोकल ग्रोसरी स्टोर्स में जाएं तो वहां आपको कोई पॉइंट्स नहीं इकट्ठे होते। तो इस कारण आपको पंजाबी ग्रोसरी स्टोर या इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स को अपना रेगुलर ग्रोसरी स्टॉप बनाने का फायदा नहीं होता, जबकि अगर आप दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स जो बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनको रेगुलर ग्रोसरी स्टॉप बना लें जहां आप रेगुलर ग्रोसरी करें तो आपको कैश वैल्यू या अपने मनी की वैल्यू काफी वापस मिलती है। आप भी ट्राई कीजिए इन बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में जाने के लिए, वहां से ग्रोसरी कीजिए और पॉइंट्स इकट्ठे कीजिए ताकि आपको अपने मनी की वैल्यू मिल सके। एक सबसे बड़ा फायदा इन बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में शॉपिंग करने का ये होता है कि ये आपको प्राइस मैच करने का मौका देता है। जिन लोगों को प्राइस मैच के बारे में नहीं पता, मेरे को प्राइस मैच के बारे में अपने दूसरे साल के बाद पता चला था। ये टिप आप काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक लोकल ग्रोसरी स्टोर पे अनियन सैक मिलता है $10 का, और एक बड़े ग्रोसरी स्टोर जो कि सुपर स्टोर है उस पे अनियन सैक मिलता है $10 का। मान लीजिए अभी एक और ग्रोसरी स्टोर है वॉलमार्ट जिस पे अनियन सैक मिल रहा है $8 का, तो आप बोलेंगे कि कौन से ग्रोसरी स्टोर जाना चाहिए। मान लीजिए कि मैं सुपर स्टोर रेगुलरली जाता हूं, तो सुपर स्टोर जाने का मुझे ये फायदा होगा कि उनको अगर मैं बताऊंगा कि वॉलमार्ट पे अनियन सैक $8 का मिल रहा है तो वो मुझे सुपर स्टोर वाले अपना अनियन सैक $8 का ही देंगे। उसे कहते हैं प्राइस मैच, कि वो अपने कंपेटिटर का प्राइस मैच करके उसी प्राइस पे अपनी चीज को बेचते हैं। जबकि अगर मैं एक लोकल ग्रोसरी स्टोर पे जाऊंगा तो वो मुझे ये प्राइस मैच नहीं करके देंगे। तो ये प्राइस मैचिंग होती कैसे है? आपको बस इतना करना है, आपको अपने फोन पे जाके ऐप स्टोर में जाके फ्लिप ऐप भरनी है, FLIP। फ्लिप ऐप भरने के बाद वहां वीकली फ्लायर आते हैं। जब भी आप ऐसे बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में शॉपिंग करने जाएं तो आप कैशियर को जाके अपना फोन दिखा सकते हैं कि वही चीज दूसरे स्टोर में कम प्राइस पे लगी हुई है, तो वो प्राइस मैच कर देंगे। ये फायदा होगा आपको इन बड़े स्टोर्स में शॉपिंग करने का। अगली टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से कम है। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं, ओंटारियो में आ रहे हैं, आपको बस पे चढ़ने के लिए एक बस पास लेना ही पड़ेगा जिसे कहते हैं प्रेस्टो। प्रेस्टो का ये फायदा है कि जिन बच्चों की उम्र 18 साल या 18 साल से कम है, जब भी वो ये प्रेस्टो लेने जाएं, अगर वो कैशियर को बताएं कि उनकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको अपने चार्जेस पे डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये कि अगर मैं बस में टैप करूं तो मेरे $4 कटे, अगर आप जिनकी उम्र 18 या 18 साल से कम है आपके $3 या $3 से कम कटेंगे। तो आप काफी सारा पैसा वहां भी बचा सकते हैं, क्योंकि जब हम नए आते हैं तो हम बस का काफी यूज करते हैं। हमारी कम्युनिटी में काफी कमी है कि हमें फाइनेंस के बारे में नहीं सिखाया जाता स्कूल में, लेकिन मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में ये सीख लिया है कि अगर आपने पैसे बनाने हैं तो पैसे बचाने से कुछ नहीं बनेगा, आपको अपने पैसे से भी काम लेना होगा, आपके पैसे को भी काम करना होगा। मैं ये टिप स्ट्रांगली सभी बच्चों को रेकमेंड करता हूं, क्योंकि ये आपके काफी सारे पैसे बचाने वाली है। अगर आप कनाडा में हैं, आपको बस इतना करना है कि आपको ऐप स्टोर में जाके एक ऐप भरनी है वेल्थ सिंपल। वेल्थ सिंपल की 2 या 3 तरीके की ऐप आती है, लेकिन आपको ये वाली ऐप भरनी है। वेल्थ सिंपल ऐप पे आप क्या करेंगे, आप इस ऐप पर साइन अप करेंगे। इस ऐप पर एक फीचर है राउंड अप फीचर। ये राउंड अप फीचर क्या करेगा, अगर अपने बैंक अकाउंट को आप इस ऐप से कनेक्ट कर लें तो जितनी बार भी अपने कार्ड से आप कोई भी खर्चा करेंगे, कोई ग्रोसरी का खर्चा करेंगे, कोई बिल उतारेंगे, कोई रेंट भेजेंगे, कोई कॉफी खरीदेंगे, तो वो उस अमाउंट को राउंड अप कर देगा। मतलब ये कि मान लीजिए कि आज आपने एक कॉफी खरीदी जिसका प्राइस है $2.5, अगर आप उस कार्ड से आप $2.5 की कॉफी खरीदेंगे तो वो कार्ड पे चार्ज करेगा $3, जो लास्ट के 50 सेंट है वो आपके इस वेल्थ सिंपल ऐप में चले जाएंगे। और अगर ये ही सिस्टम सारा साल चले, आपने साल में कितने खर्चे करने होते हैं, बिल्स आते हैं, यूटिलिटीज आती हैं, कपड़े लेते हो, शॉपिंग करते हो, हर बार वो एक नियरेस्ट डॉलर से वो अमाउंट को राउंड अप कर देगा, और साल बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आपने कितने पैसे बचा लिए। ये आपको अननेसेसरी स्पेंडिंग से बहुत बचाता है, क्योंकि आपके अमाउंट को राउंड अप कर देता है। सेकंड फीचर इस ऐप में ये है कि आपने देखा ही होगा जो भी बच्चे कनाडा में आते हैं उनका या तो ICICI बैंक में अकाउंट होता है या तो स्कॉशिया, लेकिन कोई भी बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट में हाई इंटरेस्ट नहीं देता है। लेकिन अगर आप ये ऐप भरें तो इस ऐप पे आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ये कि अगर स्कॉशिया में $100 पड़े होते हैं तो महीने बाद वो बनेंगे $100.05, और अगर वेल्थ सिंपल के कैश अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं तो महीने बाद वो पड़ेंगे $100.75, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो बच्चे वर्क परमिट पे आ चुके हैं उनको मेरी ये स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, आप सभी
लोगों को एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स वाला अकाउंट ढूंढना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने EQ बैंक की ऐप भरी है। EQ बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट में 1.5 इंटरेस्ट रेट देता है और इसकी कोई लोअर लिमिट भी नहीं है। आप जितने मर्जी कम पैसे डाल सकते हैं, आप वैसे ही जैसे दूसरे बैंक से आप बिल्स उतारते हैं, इंटरेक्ट भेजते हैं, वही चीजें आप इस ऐप से भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी मनी की वैल्यू मिलना बहुत जरूरी है। सो मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या फिर उन लोगों को जो वर्क परमिट पे आ चुके हैं, अपने सेविंग्स अकाउंट का ध्यान रखिए। सो मैंने आपको जो आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताए वो अपनी जिंदगी में आते ही एज ए कनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं जरूर अप्लाई करके देखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आपने ये टिप्स अप्लाई पहले की हैं या नहीं, या आपके इसके बारे में फीडबैक क्या है। थैंक यू।